नमस्कार, एनडीए स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजनीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस की, जहां लगातार कांग्रेस खेमे के अंदर चली आ रही गुटबाजी अब खुलकर सबके सामने आती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए तो अपने मुरैना दौरे पर गए सिंधिया को यहां पर पार्टी नेताओं का और कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा है। काले झंडे यहां पर कार्यकर्ताओं ने दिखाए, आखिर क्या कुछ इसके पीछे वजह रही, करेंगे हम इसी पर चर्चा सिंधिया इनसाइट में। तो चलिए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि अपने मुरैना दौरे के दौरान किस तरह पार्टी नेताओं की खिलाफत के शिकार बने ज्योतिरादित्य सिंधिया। दरअसल मुरैना में एक जनसभा में शामिल होने गए ज्योतिरादित्य सिंधिया को युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। दौरे पर आए सिंधिया से कार्यकर्ताओं ने गाड़ी से बाहर आकर स्वागत कराने की बात कही, लेकिन सिंधिया गाड़ी से बाहर नहीं निकले और सीधे निकल गए। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने सिंधिया के काफिले को काले झंडे दिखाते हुए अपना विरोध जताया। तो मुरैना दौरे के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को चौंकने पर मजबूर कर दिया। दरअसल सिंधिया के इस दौरे के विरोध में स्थानीय ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मधुराज तोमर ने इस्तीफा दे दिया। तोमर के अनुसार सिंधिया के इस कार्यक्रम में संगठन नेताओं को दरकिनार किया गया है। अक्टूबर को अम्बा में एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, उसको श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी सांसद गुना शिवपुरी संबोधित करने वाले हैं। ये आयोजन चूंकि संगठन एक संवैधानिक ब्लॉक अध्यक्ष का एक संवैधानिक पद होता है और ये ऐसे आयोजन हमेशा संगठन के द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं। वहाँ पर संगठन की उपेक्षा हो रही थी, मैं चूंकि ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, मेरे किसी भी ब्लॉक के पदाधिकारी को ये जिम्मेदारी नहीं दी, लेकिन ये जिम्मेदारी जब नहीं दी गई तो फिर मैं क्षुब्ध हुआ और मुझे दुख हुआ कि संगठन की ऐसी उपेक्षा की जा रही है, तो ऐसी उपेक्षा को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने ये अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का विचार किया है। तो वहीं सिंधिया का विरोध मुरैना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके बाद राजधानी की फिजाओं में भी ये मसला जमकर गूंजा और खुद कांग्रेस के नेता ही सिंधिया और उनकी कार्यशैली पर तंज कसते नजर आए, और वो कैसे तो जरा ये सुनिए। जानकारी मिली है तो उसमें जो है पता चला है कि लड़कों ने पहचान नहीं पाए कि महाराज जी हैं, सिंधिया जी हैं क्या, इसलिए हो सकता है किसी से नादानी हुआ, उनकी पहचान बिना पहचान न कारण ऐसे घटना हुई घट गई है। नहीं हो, अरे भाई पहचान ही नहीं पाए होंगे, सिंधिया जी हैं, ग्वालियर के महाराजा हैं। ये तो कार्यकर्ता को हो जाती है या नेता को हो जाती तब इस तरह की स्थिति और परिस्थिति बनती है, पर छोटे कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं संयम तो रखना पड़ेगा। जो बड़े गत के नेता, अगर गिनती पे गिन लो, उंगली पे गिन लो, इतने तो बच्चे चार पांच नेता हैं, यदि हम उनकी भी अवमानना करेंगे तो शायद मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का ग्राफ ऊंचे नहीं होगा, नीचे होगा। मैं मानता हूँ कि उनकी कुछ समस्याएं हमारे छोटे कार्यकर्ताओं की, छोटे भाइयों की रही होगी, उन पर भी बड़े नेताओं को ध्यान देना पड़ेगा, तब ये स्थिति पैदा नहीं होगी, लेकिन ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पार्टी के नेता जो हैं वो खुद यहाँ पर इस बात को स्वीकार रहे हैं कि अगर इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी तो कांग्रेस पार्टी का ग्राफ ऊपर जाना मुमकिन नहीं है। निश्चित ही उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं को समस्याएं हैं, परेशानी है, जिसके चलते उन्होंने इस तरह का विरोध जताया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से यहाँ पर स्वागत करने के लिए रोका गया, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर स्वागत को नहीं स्वीकारा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और उन्होंने अपने काफिले को आगे बढ़ा दिया, जिसके बाद तस्वीरें आप देख सकते हैं, रोष यहाँ पर कार्यकर्ताओं का दिखाई दिया और कांग्रेस में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध जो है वो हो रहा है।
तो अधिक जानकारी के साथ बातचीत के लिए इस वक्त ब्यूरो चीफ सुनील श्रीवास्तव न्यूज रूम से हमारे साथ हैं। सुनील, कैसे देखें इस पूरे मामले को, अगर बात की जाए यहाँ पर खुद पार्टी के नेता ये बात स्वीकार रहे हैं कि अगर इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आती रही तो कांग्रेस का ग्राफ ऊपर उठना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नाजरीन, क्योंकि मामला काफी गंभीर है। एक तरफ जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की कमान देने की बात चल रही है, सीएम का चेहरा बनाने की बात चल रही है सीएम पद के लिए, वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस में इस प्रकार का विरोध ज्योतिरादित्य सिंधिया का होता है, क्योंकि सिंधिया को कहा जाता है कि युवाओं की आवाज है, युवाओं का आकर्षण सिंधिया के प्रति है, और फिर जब युवा ही खासतौर पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और अध्यक्ष यहां पर सिंधिया का विरोध करते हैं तो ये कांग्रेस के लिए जरूर चिंताजनक बात है। क्योंकि सिंधिया का गढ़ कहा जाता है चंबल मुरैना में सिंधिया के एक रुतबा है, और अगर उसी क्षेत्र से इस प्रकार की बगावती आवाजें आती हैं, सिंधिया को काले झंडे दिखाए जाते हैं, काले कपड़े दिखाए जाते हैं, और कांग्रेस की खुद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यहां पर विरोध करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का, तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि जिस चेहरे की उम्मीद में ये कांग्रेस मान रही है कि 2018 में अगर सिंधिया पर दाव कांग्रेस लगाती है तो मध्यप्रदेश में वापसी कर सकती है। लेकिन अब इस प्रकार की जब तस्वीरें हैं कि मुरैना से लेकर भोपाल तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध हो रहा है, छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक, पूर्व सांसद, चाहे हम यहां पर सज्जन सिंह वर्मा की बात करें, पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की बात करें, वो विरोध करते नजर आते हैं, तंज कसते नजर आते हैं। तो कांग्रेस को जरूर सोचना होगा कि आखिर ऐसे चेहरे पर अगर दाव लगाएंगे तो क्या वो कांग्रेस के लिए मुफीद साबित होगा, या फिर कांग्रेस में माना जाए सुनील के जिस तरीके से यहां पर युवाओं पर जिम्मेदारी देने की बात कांग्रेस कर रही है। हालांकि हर बार अंदर हो रही गुटबाजी को बड़े नेता नकारते हैं, लेकिन अगर देखा जाए एक तस्वीर जब निकलकर सामने आती है उसके बाद तंज कसते हुए पार्टी के नेता सामने आ रहे हैं, और अगर बात की जाए कार्यकर्ताओं में भारी रोष यहां पर दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि जो मांग यहां पर लंबे वक्त से की जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हें यहां पर नेतृत्व सौंपा जाए, इस पूरे मामले को लेकर गंभीर होने की जरूरत है यहां पर? बिल्कुल नाजनीन, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर विरोध किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, वो कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जो सिर्फ कांग्रेस की रैलियों में आते हों, बल्कि अगर हम बात यहाँ पर करें, चाहे हम मधुराज तोमर की बात करें, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, उन्होंने अपनी उपेक्षा के चलते इस्तीफा दे दिया, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। चाहे हम सौरभ सोलंकी की बात करें, मुरैना श्योपुर से लोकसभा अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, और दीपक शर्मा प्रदेश महासचिव हैं युवा कांग्रेस के। ये दो बड़े पद हैं, अहम पद हैं यूथ कांग्रेस के, जो चुनाव प्रक्रिया के जरिए जीत के आते हैं, तो ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। अब हम अगर इन दो के अलावा बात करें राजधानी भोपाल में जिन दोनों यहां पर अपनी नाखुशी, कुछ वक्त के लिए आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मधुराज तोमर जुड़ गए, स्वागत है आपका। मधुराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने यहाँ पर इस्तीफा दिया है, आपको शिकायतें हैं कि यहाँ पर संगठन को जिम्मेदारी नहीं दी जाती, सुनी नहीं जाती कार्यकर्ताओं की, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए श्रीमद ज्योतिराज सिंधिया जी जो सांसद हैं गुनासिपुरी के जी, हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के, इन्हीं पूरे मध्य प्रदेश के सर्वमान्य नेता है, क्योंकि इनकी एक आम सभा थी जी, कल जो संपन्न हुई है, जिसमें श्रीमद सिंधिया जी ने आम सभा को संबोधित किया था, उसमें संगठन को बिल्कुल दरकिनार करके, संगठन को, चूंकि संगठन का मैं यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, संगठन के किसी भी पदाधिकारी को इसमें शामिल नहीं किया गया, ना ही कोई जिम्मेदारी दी गई। ये बात मैंने उनके समक्ष भी रखी, संगठन के जिले के लीडर जो भी हैं, जिला नेतृत्व को, उनको भी बताया, उसके बावजूद भी बिल्कुल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को इसमें दरकिनार किया गया। चूंकि वैसे भी मध्य प्रदेश में 13 वर्ष हो गए विपक्ष में है कांग्रेस, उसके बावजूद भी इस संगठन को इस तरीके से दरकिनार किया जाएगा तो मैं नहीं समझता इसके आने वाले समय में परिणाम अच्छे होंगे। लेकिन अगर देखा जाए मधुराज जी, आपका कहना है कि ब्लॉक कांग्रेस यहाँ पर कमेटी जो है उसे दरकिनार किया गया, लेकिन अगर जिला कांग्रेस की बात की जाए तो उनका कहना है कि हम जिम्मेदारी देंगे, ऐसी कोई भी बात हमने नहीं कही थी, और जो नाराजगी यहाँ पर आपकी तरफ से जताई गई है वो सही नहीं है। जी अगर वो ये कह रहे हैं तो ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि जब जिला कांग्रेस कमेटी ने मुरैना में मीटिंग आयोजित की थी उसमें मैंने बिल्कुल सार्वजनिक तरीके से कहा था, उसमें बहुत सारे नेता थे, और हमसे ये कहा गया कि ब्लॉक कांग्रेस और जो संगठन है वही सर्वोपरि है, ऐसे आयोजन को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ही आयोजित करती है। और देखिए वैसे भी ये पार्टी में संवैधानिक व्यवस्था होती है कि संगठन ही ऐसे आयोजनों को आयोजित करता है, फिर संगठन की अनदेखी करना
ये मुझे पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान लगा। उस अपमान को मैं नहीं सह पाया, तो मैंने उस जब ये तोमर जी आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर हो या फिर जिला स्तर पर हो या फिर जो आपके बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर ठीक तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे? संगठन को बिल्कुल साथ लेकर चलने की आज बहुत जरूरत है। वैसे भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सारे लोगों को, संगठन के लोगों को भी मिलजुल कर, बड़े लीडरों को भी, सबको साथ लेकर के, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को, सबको लेकर चलने की जरूरत है। अगर ये सब हो पाएगा तो अपन मध्य प्रदेश में 2018 में सरकार बना पाएंगे। तो तोमर जी, आप ये मानते हैं कि जो बड़े नेता हैं, चाहे वो जितने भी बच्चे इक्का दुक्का हैं, वो यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, और अगर बात की जाए जो लोग यहाँ पर टीम बना सकते हैं, टीम का नेतृत्व कर सकते हैं, वो ही अनदेखी करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं सबके बारे में तो ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जो यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में जहाँ पर ये राजनीति करता हूँ, तो मैं भी श्रीमंत सिंधिया जी से ही जुड़ा हुआ हूँ, है ना। मेरी यहाँ से पत्नी भी नगरपालिका अध्यक्ष रही थी, तो पत्नी को भी टिकट श्रीमत सिंधिया जी ने ही दिया था। लेकिन चूंकि आज यहाँ स्थिति दूसरी हो गई है, श्रीमत सिंधिया जी के यहाँ कोई निजी स्टाफ में बैठे एक व्यक्ति है जो उनकी चरण वंदना कर रहा है, जो उनसे जुड़ा हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेता भी, पूर्व मंत्री जैसे लोग भी अगर उनकी चरण वंदना कर पा रहे हैं तो राजनीति में वो स्टैंड है, अदरवाइज उनको भी दरकिनार किया गया। वही लोग आज स्टैंड है जो उनके निजी जो सचिव हैं, उनकी चरण वंदना कर रहे हैं। तोमर जी, आप इसे कैसे देखते हैं? एक तरफ यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक कह रहे हैं कि उन्हें नेतृत्व सौंप देना चाहिए, और वहीं अगर बात की जाए, आपका कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर अनदेखी कर रहे हैं, जिसके विरोध में अगर देखा जाए, तस्वीरें बयान कर रही हैं कि काफी हद तक यहाँ पर विरोध देखने को मिला है, काले झंडे दिखाए गए। ऐसे में जो यहाँ पर मांग की जा रही है कि नेतृत्व सौंप देना चाहिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को, आपको लगता है कि वो इसके लिए तैयार हैं, या वो जिस तरीके से यहाँ पर काम ले रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है? स्थिति क्यों बनी क्षेत्र में, इसका भी कारण ढूंढा जाना चाहिए। अगर ये आक्रोश है तो ये आक्रोश क्यों है लोगों में? जब वो क्षेत्र में आए हैं तो मुरैना से लेकर के जहाँ तक सभा हुई वहां तक तमाम सारे लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, क्यों किया? ये सारी चीजों पर स्वयं श्रीमंत सिंधिया जी को इस पर विचार करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तोमर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील, किस तरीके से देखेंगे आप पूरी बातचीत को? बिल्कुल नाजनीन, क्योंकि अगर हम पूरे मामले को देखें, कल जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन मुरैना में सिंधिया के खिलाफ हुआ है, उस पूरे मामले को, घटनाक्रम को देखें, तो एक बात जरूर सामने निकल के आ रही है, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफिला रोकने का प्रयास किया था, उनसे 2 मिनट उतरने की अपील की थी कि अगर 2 मिनट वो कार्यकर्ताओं के बीच आते हैं उनका स्वागत करें, लेकिन सिंधिया ने साफ तौर पर इनकार कर दिया गाड़ी से उतरने से, और साफ तौर पर ये कहा कि उनके पास समय नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है नाजनीन कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आते हैं तो सीधे एयरपोर्ट से एक होटल जाते हैं, और उसके बाद महज कुछ घंटे रुकने के बाद यहां से अशोक नगर या गुना के लिए रवाना हो जाते हैं। तो भोपाल में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास समय नहीं है, मुरैना जाते हैं कार्यकर्ताओं के बीच, नेता अगर कार्यकर्ताओं के बीच जाता है तो उनके पास उनकी समस्याएं सुनने जाता है, उनकी शिकायतें सुनने जाता है, लेकिन जब बड़े नेताओं के पास उनकी समस्याएं और शिकायतें सुनने का समय नहीं होगा तो आखिर छोटे नेता किससे शिकायत करेंगे? 13 साल से विपक्ष में कांग्रेस है। बनाए रखेंगे कि आखिर जिसे यहां पर कमान सौंपने की जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है, ऐसे नेता के पास अपने कार्यकर्ताओं की समस्या सुनने का वक्त नहीं है, उनका यहां पर स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता खड़े हैं लेकिन उस स्वागत को स्वीकारने का वक्त नहीं है, तो आखिर कैसे देखा जाए यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति को, उनकी सोच को, कि आखिर वो यहां पर नेतृत्व की जिम्मेदारी लेने के लिए कितने तैयार हैं? इस पर चर्चा बनाए रखेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।